इंडियन नेवी अपनी सरफेस और सब सरफेस कैपेबिलिटीज़ की अपग्रेडेशन के प्रोसेस में चल रही है और पिछले एक साल में नेवी ने अपनी फ्लीट में कुछ इम्पॉर्टेंट शिप्स को ऐड किया है, जैसे कि सितंबर 2022 में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया गया। INS विक्रांत इंडिया का सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर और फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बाद इस साल जनवरी में प्रोजेक्ट 75 के अंडर, नेवी के प्रोजेक्ट 75 के अंडर फिफ्थ कलवारी क्लास सबमरीन INS वगीर को कमीशन किया गया। प्रोजेक्ट 75 के अंडर 6 सबमरीन्स को डेवलप किया जाना था, जिनमें से INS वगीर के की कमीशनिंग के बाद 5 सबमरीन्स की डिलीवरी कंप्लीट हो चुकी है, बट फाइनल और 6th सबमरीन की डिलीवरी और कमीशनिंग अभी पेंडिंग है। इसके अलावा इंडियन नेवी 68 वॉरशिप्स का ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस कर चुकी है और इस साल जुलाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नेवी के लिए रफाइल्स की एक्विजिशन को भी अप्रूव किया था और उसी प्रोसेस के अंडर अभी रिसेंटली इंडिया ने फ्रेंच गवर्नमेंट को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड किया है 26 रफाइल्स की प्रोक्योरमेंट के लिए। बट इन सब डेवलपमेंट्स के बावजूद भी नेवी के कंसर्न्स अभी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुए हैं और इनमें से सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू है प्रोजेक्ट 75i की स्लो मूवमेंट, उसका डिले होना। प्रोजेक्ट 75i प्रीवियस प्रोजेक्ट P75 का एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें उसी की तरह 6 सबमरीन्स को डेवलप किया जाना है, बट 2019 में गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद भी अभी ये टेंडरिंग स्टेज में है। 1997 में नेवी ने अपनी कोर रिक्वायरमेंट्स को लेड आउट किया, स्पेशली सब सरफेस यानी कि सबमरीन्स की रिक्वायरमेंट्स। ओरिजिनली 24 सबमरीन्स को एक्वायर करने का प्लान था, बट क्योंकि इंडिया इनको लोकली डेवलप करने की ऑप्शन कंसीडर कर रहा था, सो इन रिक्वायरमेंट्स को बाद में 50% रिड्यूस करके 12 सबमरीन्स को लोकली डेवलप करने का डिसीज़न लिया गया। इन सबमरीन्स को दो प्रोजेक्ट्स के अंडर डेवलप किया जाना था, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 75i। प्रोजेक्ट 75 को 1997 में ही लॉन्च कर दिया गया, बट इस पर एक्चुअल वर्क 2005 में जाके स्टार्ट हुआ और इसके अंडर 6 कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को डेवलप किया जाना था, जिसके लिए इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग माजगोन डॉक शिप बिल्डर्स ने नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की कोलैबोरेशन की, जिस एंड इस प्रोजेक्ट को 2017 तक कंप्लीट किया जाना था। 2017 तक तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की कि इस प्रोजेक्ट के अंडर 6 में से 5 सबमरीन्स को ही अभी तक कमीशन किया गया है, बट फाइनल और 6th सबमरीन INS वगशीर भी माजगांव शिप बिल्डर्स द्वारा लॉन्च की जा चुकी है, जो कि अपने सी ट्रायल्स के फेस में है और ट्रायल्स के कंप्लीशन के बाद उसको प्रॉबेबली 2024 के एंड तक कमीशन कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट 75i को 2019 में अप्रूवल दी गई और इसके अंडर भी 6 सबमरीन्स को डेवलप किया जाना है, बट ये एक अपग्रेडेड प्रोजेक्ट है प्रीवियस प्रोजेक्ट का और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और नए वेपन सिस्टम जैसे चेंजेस किए जाएंगे, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेडेशन है वो है AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। AIP से लेस सबमरीन की खास बात यह है कि इस सिस्टम से सबमरीन करीब 12 से 15 दिन तक समंदर में सब सरफेस यानी कि पानी के नीचे ऑपरेट कर सकती है बिना बाहर आए। इंडिया के पास जो अभी कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं जिनमें AIP सिस्टम नहीं है, उनको 2 से 3 दिन के बाद दोबारा पानी के ऊपर आना पड़ता है अपनी बैटरीज चार्ज करने के लिए। सो AIP से लेस सबमरीन की एडवांटेज ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में बिना दुश्मन को पता चले, बिना पानी के ऊपर आए, लंबे समय तक पानी के नीचे ऑपरेट कर सकती हैं। 2019 में इंडिया ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू किया था, जिसमें 5 बिडर्स ने रिस्पॉन्ड किया, नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, जर्मनी की तुजेनक्रप मैरीन सिस्टम्स, रशिया की रोजोबोरन एक्सपोर्ट, साउथ कोरिया की दाइवू और स्पेन की नवेंशिया। 2021 तक रशिया और फ्रांस इससे लेफ्ट आउट कर चुके थे और अभी इसमें 2 मेन कंटेंडर्स हैं,
जर्मनी और स्पेन। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जर्मनी इंडिया की MDL यानी कि माजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ कलेबरेशन करने में इंटरेस्टेड है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास भी MDL की बिड को रजिस्टर किया गया है जो कि जर्मनी की TKMS के साथ टाई अप करेगी। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास एक और बिड को भी रजिस्टर किया गया है और वो है प्राइवेट कंपनी LNT के द्वारा जो कि स्पेन की नवेंशिया के साथ टाई अप करेगी। और ये फर्स्ट टाइम है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी बिडिंग के लिए इसमें अलाउ किया है। सो टेंडर के फाइनल होने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम तो स्टार्ट हो जाएगा बट इसकी स्लो मूवमेंट नेवी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि इंडियन नेवी के पास अभी करंटली 16 ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं और दूसरी ओर चाइना की नेवल फ्लीट में देखें तो चाइना के पास 56 सबमरीन्स हैं जिसमें से 17 AIP-enabled हैं और P-75 के अंडर प्रोजेक्ट 75I के अंडर इंडिया आने वाले 10 सालों तक सिर्फ 6 AIP-enabled सबमरीन्स को ही डेवलप कर पाएगा। इसके अलावा चाइना के पास 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स भी हैं और इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन INS चक्र जो इंडिया ने रशिया से लीज़ पर एक्वायर की थी 2021 में उसकी लीज़ ख़त्म होने के बाद वो रशिया को रिटर्न की जा चुकी है। सो इंडिया के पास अभी कोई भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन नहीं है। P-75 के बाद P-75I की प्रोसेसिंग में डिले इंडिया की सब सरफेस कैपेबिलिटीज़ के लिए एक सेटबैक है क्योंकि आज पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास AIP-enabled सबमरीन्स हैं और चाइना की लार्ज स्केल नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इंडियन और चाइनीज़ नेवी की नेवल स्ट्रेंथ में एक गैप क्रिएट हो चुका है और आने वाले टाइम में ये गैप और इंक्रीज़ हो सकता है। सो इंडिया के लिए अपनी नेवल स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज इंडिया को P-75I जैसे और कई बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है बट उसके लिए ह्यूज बजट रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है।